अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आयात कभी भी इत्तफाक से आपके सामने नहीं आती, जी अल्लाह के हुक्म से बहुत ऊपर से आई होती हैं और एक नेमत की तरह अता होती हैं। अक्सर हम जिस मसले में उलझे होते हैं तो फेसबुक या व्हाट्सएप में उसकी मुतालिक आयत आ जाती है, उस वक्त उसको अपने लिए एक प्राइवेट मैसेज समझा करें और कुछ देर रुककर गौर किया करें कि मुझे अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि आयत का वक्त, मुकाम, दिल की कैफियत, आपकी उस वक्त की हालात, सबका फैसला आसमानों पर किया जा चुका होता है और यही कुरान का मौजज़ा है। तुम्हें पता है तुम्हारे पास एक बहुत कीमती चीज है जो बहुत कम लोगों के पास ही होती है। अल्लाह वो चीज बस उन्हें देता है जिन्हें पसंद करता है और अपने करीब करना चाहता है। पता है वो क्या है? दूसरों की तकलीफ का एहसास, दुआ की तौफीक, दुआ का जवाब ना मिलने के बाद यकीन और सब्र। ये बहुत खास चीज़ें हैं। अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई एक चीज़ भी है तो तुम बहुत अमीर हो, अल्लाह के बहुत पसंदीदा हो। अगर नहीं है तो तुम खाली हो। अल्लाह के सपर्द करना सीखें हर चीज को, हर फैसले को। जब आप जाए नमाज पर बैठते हैं तो बारी दिल को खाली करके उठा करें, हर चीज़ अल्लाह को सौंप कर उठा करें, क्योंकि जो हुआ उसकी रजा से हुआ और जो हो रहा है उसकी रजा से हो रहा है। तो फिर आप मुस्तकबिल की फिक्र क्यों करते हैं? नसीब लिखने वाले को नसीब का निगहबान रहने दें। आप उसके फैसलों पर सर झुकाकर इत्मीनान से चलते रहें, यकीन करें उस पर वो बेहतरीन करेगा इंशाल्लाह। जान लो आजमाइशें वक्ती होती हैं। जितनी जल्दी आजमाइश से मायूस होने की बजाय रब से लू लगा ली तो उतनी जल्दी आजमाइश से दस्तबरदार भी हो जाओगे। एक बात हमेशा याद रखो, हजारों मसाइल का एक हल वो है तवक्कल। जहाँ तवक्कल हो वहाँ शिकवे नहीं होते, जहाँ तवक्कल हो वहाँ दिल कभी बेसकून नहीं होता। अगर फिर भी लगता है कि हिम्मत बाकी नहीं, अब तो जान लो वक्ते आजमाइश अब ख़त्म होने को है।